एवरी वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वेन वे यू वॉचिंग दिस आज बच्चों की डिमांड पर आई एम हियर टू जस्ट क्लियर वन डाउट इन योर माइंड वॉट टू डू आफ्टर प्लस टू बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझे डिमांड करते रहते हैं भाई सर हमें यह बताइए कि प्लस टू के बाद क्या करना चाहिए सी गई प्लस टू के बाद हमारा एक मेन करियर शुरू होता है सो दिस वीडियो इज बेसिकली मेन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर करंटली इन प्लस वन एंड प्लस टू बोथ सो दैट यू कैन प्लान योर फ्यूचर नाउ एंड वी कैन हेल्प यू इन दैट सो गाइज देखिए बेसिकली आज के वीडियो का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आफ्टर प्लस टू हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्पेसिफिकली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स ठीक है बिकॉज

ज मेन टू बी ऑफ फॉर योर बेनिफिट बच्चा तो फिर आपको ध्यान से समझना है और इसको सीखना है ओके सो लेट्स मूव ऑन कि सबसे पहले हमारे पास प्लस टू के बाद प्लस टू के बाद हमारे पास दी बेस्ट कोर्स कौन सा है लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट ओके सो फ्रेंड्स सबसे पहले आफ्टर प्लस टू आफ्टर प्लस टू व्यू कैन डू इस वी हैव वेरियस ऑप्शन नंबर वन या तो आप जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल पे भाई अगर कोई बच्चा इसको नोट करना चाहे तो प्रॉपरली नोट भी कर सकता है या तो आप जाएंगे दोस्त ग्रेजुएशन लेवल पे या दोस्त आप जाएंगे प्रोफेशनल लेवल पे सी वी हैव प्लस टू के बाद टू ऑप्शन either we go for graduation level or we go for pro professional level. now, what is the basic part? i'll tell you. graduation level, i'll tell you the very honest view. friends, we should do both. we should do both together. without wasting any time, we should do both together. Now, students will ask, sir, dono ek saath, yes, mirabacha, dono ek saath. देखिए अब प्लस टू के बाद बहुत सारी ऑप्शंस हैं लाइक पहले हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की लाइक वी हैव हाँ बीकॉम ऑब्वियसली बीकॉम हमारे पास ऑनर्स भी है और बीकॉम हमारे पास जनरल भी है आई वुड रिकमेंड जो बीकॉम ऑनर्स होती है वो वो स्टूडेंट्स ले जिन्होंने प्लस टू में मैथ्स करा हुआ है सो दोस्त याद रखिएगा प्लस टू में जिन्होंने मैथ्स करा है जिनके पास प्लस टू में मैथ्स था वो बीकॉम ऑनर्स की तरफ जा सकते हैं और जिनके पास प्लस टू में मैथ्स नहीं है तो आई वुड रिकमेंड फॉर नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स दे कैन गो फॉर बीकॉम जनरल और बीकॉम पास कोर्स बीकॉम जो है इसमें सब्जेक्ट्स आपके पास अकाउंटिंग फाइनेंस टैक्सेशन वगैरह होते हैं इट्स अ वेरी यूजफुल डिग्री और आज की डेट में बीकॉम जो है वो बहुत ही वेरियस लेवल्स पे होती है

because graduation degrees must go three-year hamara graduation level hoga definitely hame then we can go for bba ya you bms now see you guys know what is bba bba is bachelor of business administration what is bms it is bachelor of management studies this is useful for those students who wants to pursue mba after this

Journalism. Now, some students are interested in journalism and mass communication. So, if you are interested in journalism and mass communication, guys, so please, please do this course. It's very good for you. स्पेसिफिकली फॉर प्लस टू स्टूडेंट्स जिन्होंने लाइक थोड़ा सा उनका मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है सी इट ग्रेजुएशन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट सपोज़ कर लीजिए अगर आप बी कॉम की तरफ जा रहे हो बी कॉम के साथ आपका वहाँ पर ऑनर्स या पास कोर्स जो भी है दैट मीन्स यू वॉन्ट टू परस्यू मोर इन कॉमर्स इफ़ यूर गोइंग फॉर एम बी ए यू शुड गो फॉर बी बी ए और बी एम एस इफ़ यू गो फॉर जर्नलिज्म दैट इज बी जी एम सी अब सपोज कर लीजिए कोई बच्चा कहता है सर माई इंटरेस्ट इज़ इन आई टी सी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर इन आई टी एंड सॉफ्टवेयर आई वुड रिकमेंड यू शुड गो फॉर बी सी ए सो गु शुड गो फॉर बी अगर आप आई टी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं बीसी बेसिकली एक ऐसा कोर्स है इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसके अंदर हम लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखते हैं विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर आई टी सेक्टर Now, if there are certain students who wants to go for LLB, they are interested in law. I would recommend you can go for CLAT. CLAT is a common law entrance test. So, अगर आप future अपना law में बनाना चाहते हैं, you want to go for legal advisory jobs, जिसको हम कहते हैं lawyers. So, basically, दोस्त तुम्हारे लिए फिर best part is CLAT. सो so, ग्रेजुएशन तो आप किसी भी डिसिप्लिन में करिए बट ग्रेजुएशन करना जरूरी है सी ग्रेजुएशन के हमारे पास वेरियस ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंटरेस्ट लेवल किस

एल 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 बी बिकॉज एल एल बी जो है वो आपके पास क्लाट के थ्रू कॉमन लॉ एंट्रेस के थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होती है जिसको हम एन एल बोलते हैं एनएलूज होती है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज उसमें एडमिशन लेकर आप लीगल जॉब में जा सकते हैं नाउ सर्टन स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन होटल मैनेजमेंट दैट इज ऑल्सो गुड स्कोप सो अगर सपोज कर लीजिए कुछ बच्चे होटल मैनेजमेंट की डिग्री में जाना चाहते हैं जिसको हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कहते हैं आपको बता दूं देर आर सर्टन यूनिवर्सिटीज हु आर ऑफरिंग बी कॉम इन टूरिज्म एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपको टूरिज्म वगैरह में भी वहां पर ऑप्शन दे रही हैं ठीक है अदरवाइज आई वुड रेकमेंड की आप बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट जिसको हम बी एच एम बोलते हैं ये डिग्री कर सकते हैं बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट दिस इज ऑल्सो गुड डिग्री सी इट ऑल डिपेंड्स आपका आगे फर्दर क्या इंटरेस्ट है सो इफ यू आर कंफ्यूज रिगार्डिंग प्लस टू बी डोंट हैव टू बी डोन्ट है अगर आप परेशान हैं तो पहले आप याद रखिएगा आपके पास ये सिक्स बेस्ट ऑप्शंस मैंने आपको दे दी हैं बैचलर डिग्री की नेक्स्ट वट अबाउट प्रोफेशनल डिग्री सी एल डल्यू इन प्रेजेंट एरा अगर हम आज की बात करें दोस्तों आपको सही बता देता हूँ आज की बात में ग्रेजुएशन डिग्री इज नॉट सफिशियंट अगर हम बात करें टू बी वेरी ऑनेस गज ग्रेजुएशन के साथ हमारे पास प्लस टू स्टूडेंट्स दे शुड गो फॉर प्रोफेशनल स्टडीज प्रोफेशनल स्टडीज में जो प्लस टू के कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दी बेस्ट कोर्स इज कॉल्ड आ सी ए सी एज कॉल्ड आ चार्ट अकाउंटेंट स सी एल डल्यू का इसमें आपको सी ए करने के बहुत सारे एडवांटेजेस बता सकता हूँ बिकॉज इसके अंदर आपको बता देता हूँ जो एक किसी स्टूडेंट के नाम के साथ अगर ये दो वर्ड लग जाते हैं ही हैज़ इमेंस रेपुटेशन ही हैज़ गेन लॉड ऑफ सक्सेस बिकॉज दिस पर्टिकुलर दीस पर्टिकुलर टू एल्फबेट्स जो ये किसी के नाम के साथ लग जाते हैं उस बंदे का करियर जो है आप सोच भी नहीं सकते कि, कि किस लेवल तक चला जाता है मार्केट में सोसाइटी में उसका एक अच्छा खासा रेपुटेशन डेवलप हो जाता है सो so, आपको मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन के साथ साथ एक प्रोफेशनल डिग्री साथ में जरूर करनी चाहिए इनफैक्ट दे आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली फोकसिंग मोर ऑन प्रोफेशनल डिग्री एंड दे आर डूइंग ग्रेजुएशन ऑल टूगेदर एट द सेम टाइम राइट अब आपको ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बताता हूं आफ्टर प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स दे शुड गो फॉर सीए सीए पहले हम डिस्कस करते हैं वाई सीए व्हाट इज सीए व्हाट इज सीए गाइस डोंट वरी आई विल बी डिस्कसिंग लॉट ऑफ अदर टुडे बट पहले हम डिस्कस कर रहे हैं द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट सुपर हिट कोर्स ऑफ अवर कंट्री दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चा आपको बता देता हूं ज्यादातर हमारे पास ऑडिट टैक्सेशन या मान लीजिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग या मान लीजिए आपके पास बैलेंस शीट यही सब सारी चीजें वहां पर डिपेंड करती इसके इन सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ज्यादा ऑडिटिंग होता है इसमें नाउ व्हाट इज ऑडिटिंग दे माइट बी सम स्टूडेंट्स हु माइट आज सर ऑडिटिंग क्या होता है दोस्त ऑडिटिंग का मतलब होता है अकाउंट्स को चेक करना ठीक है टैक्सेशन में रिटर्न्स भरना फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सारी चीजें सी का काम होता है पहले आपका मुद्दा आएगा हाउ टू रजिस्टर फॉर सी ए कोर्स यू माइट थिंक हाउ टू रजिस्टर फॉर सी ए कोर्स सीए करने के बाद स्टेप्स क्या होते हैं वाई वी हैव टू गो फॉर सी ए कोर्स मतलब देर लॉट ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड वट इज सीए कोर्स वफ्टर सी ए कोर्स तो आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे लॉट ऑफ क्वेश्चन विच विल बी कमिंग इन योर माइंड कि सर हम सीए करने के बाद क्या करेंगे सीए कैसे करेंगे सीए कोर्स जो है हम लोग का क्या उसमें होता है सो लेट मी टेल यू गाइज अबाउट इट वॉट इज सी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज वी ए सी इज बेसिकली चार्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन याद रखिएगा इट इज अ वेरी वेरी एलीट एंड फाइनेंस प्रोफेशन हर एक बिजनेसमैन हर एक कंपनी आज की डेट में उनको अपने कोई भी फाइनेंशियल मैटर्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है दे बेसिकली रिक्वायर अ चार्ट अकाउंटेंट याद रखिएगा फॉर ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स और इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत वाइड है कहते हैं जब तक है पैसा तब तक है सीए बिकॉज जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जितनी भी इंडिविजुअल प्रैक्टिस होती हैं दीज आर ऑल मैनेज बाय चार्ट अकाउंटेंट्स दीज आर ऑल मैनेज बाय चार्ट अकाउंटेंट्स गाइज सो दिस इज अ वेरी वेरी वाइड सेक्टर नाउ द क्वेश्चन इज वॉट इज सी ए मैंने आंसर कर दिया नाउ द क्वेश्चन इज वाई सी ए आई टोल्ड यू आल बी आंसरिंग फ्यू क्वेश्चन गाइज मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने आपको बताया दोस्त कि मैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगा वाई सी ए वाई सी ए वॉट एज सी ए मैंने थोड़ा आपको बताया ना वट एज सी ए उसके बाद हम बात करेंगे वाई सी ए वाई सी ए देखिए चार्ट अकाउंटेंसी का जो कोर्स है सी ए का जो कोर्स है उसके स्पेशलाइज एरियाज होते हैं लाइक वी से वी हैव अकाउंटिंग ऑडिटिंग ऑडिटिंग मैंने बताया जैसे जैसे पोस्ट कर लीजिए अब बैंक में अकाउंटेंट अकाउंट्स बनाता है बट उसको ऑथेंटिकेट करता है ऑडिट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सीए के सिग्नेचर की वैल्यू है एक सीए के सिग्नेचर की वैल्यू है तो याद रखिएगा दैट इज बेसिकली ऑडिटिंग दैट मींस चेकिंग ऑफ अकाउंट्स इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो तो सीए आल्सो डील्स इन कॉर्पोरेट लॉस टैक्सेशन जो कंपनी लॉस होते हैं लाइक कंपनी को किसी को रजिस्टर करना है या मान लीजिए लाइक like कोई टैक्सेशन के मैटर्स हैं सपोज आप देखते हो गए कि आपके पेरेंट्स वगैरह बाई चांस रिटर्न भरवाते हैं तो दे गो टू सी ए फॉर द सिग्नेचर्स एन ऑल दैट सो दे हैव लॉट ऑफ वराइटी ऑफ ऑपरचुनिटीज इन द करियर इसके बाद इसमें हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ये फाइनेंस को मैनेज करते हैं दोस्त दे हैव कैन से वेरी गुड ऑपरचुनिटी फॉर प्लानिंग ये पॉलिसीज बनाते हैं सो लाइक दे हैव लॉड ऑफ लॉड ऑफ ऑपरचुनिटीज फॉर दैट नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं सी ए में रजिस्टर कैसे करते हैं सी गए सी ए में रजिस्टर करने के लिए वी हैव टू विजिट द डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आई सी आई डॉट ओ आर जी आपको ये वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा आप चिंता मत करिएगा इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगा तो आपने सिर्फ उस लिंक को क्लिक करना है आप वहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट्स और एप्लीकेशन सारा का सारा आपको वहां पर ऑनलाइन ही मिल जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होता है स्टूडेंट्स जो है याद रखिएगा इस पर्टिकुलर साइट पे जाकर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं देर इज नो नीड ऑफ गोइंग फॉर मैनुअल रजिस्ट्रेशन वहाँ पर जाने की अब कोई जरूरत नहीं है ओके okay, अब चार्ट अकाउंटेंट को कैसे

इसके बाद हमारे पास थोड़ी सी ट्रेनिंग आर्टिकलशिप होती है ये होता है हमारे पास कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है जिसको हम कहते हैं आईसीआईटीएसएस दैट इज इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स ये आपको ट्रेनिंग जो है अपने लोकल लेवल पे ही करनी पड़ती है आईसीआई की ब्रांच के पास देन यू हैव एन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग फॉर थ्री ईयर्स एंड देन यू गो फॉर द फाइनल्स सो द क्वेश्चन अराइजेस सर वट इज द ड्यूरेशन दोस्ट ड्यूरेशन इज अराउंड फाइव ईयर टोटल फाइव इयर्स के अंदर आपको सीए आपकी कंप्लीट हो जाती है तो याद रखिएगा लेवल स्टूडेंट प्रेजेंटली यू कैन रजिस्टर और इसके एग्जाम साल में दो बार होते हैं इन मे एंड नवंबर एंड दे माइट बी अ पॉसिबिलिटी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट अभी मैं आपको कुछ कंफर्मेशन नहीं करूंगा बट आई सी आई द बॉडी ऑफ सी ए जो सी ए करवाता है इट्स अ बॉडी विच इज़ एक्चुअली क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट याद रखिएगा इट इज़ सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट एक्ट के अंदर ये सारा आई सी आई बना हुआ है तो ये जो आपके पास सी ए कराते हैं याद रखना इन्होंने ये डिसीजन भी ले रहे हैं कि हो सकता है कि साल में चार बार एग्जाम्स भी हो जाए इट इज़ नॉट श्योर बट इट might बी पॉसिबल प्रेजेंटली मे और नवंबर में इसके एग्जाम्स होते हैं याद रखिएगा और एक चीज और आपको बता देता हूं बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं सर हम सी कौन से कॉलेज से कर सकते हैं अजीब सा सवाल उठकर आता है सर हम सी कौन सी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं दो सी ए कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं होती सी ए जो है वो एक ही गुरुजी कराते हैं उनका नाम है आई वो हम सबके गुरु हैं याद रखिएगा आई हमारा मंदिर है ICAI एक ऐसी बॉडी है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया था 1949 में आपको वही सीए जो है डिग्री ऑथेंटिकेट और ऑथराइज़ कर सकते हैं उसके अलावा आपको कोई और डिग्री सीए की नहीं दे सकता तो याद रखिएगा सीए आप आप आमतौर पे घर बैठ के कॉरेस्पॉन्डेंस लेवल पे करते हैं दैट इज द बिगेस्ट प्रोफेशनल डिग्री और आपको बता देता हूं दैट इज द चीपेस्ट प्रोफेशनल डिग्री जो आप करते हैं प्रेजेंटली वाई चीपेस्ट बिकॉज इट हैज अ वेरी लेस फीस चार्ज बाय आईसीआई अगर हम कंपैरिजन करेंगे मैं आपको इसके अंदर भी लेकर आऊंगा कंपैरिजन करेंगे तो इट हैज अ वेरी लेसर फीस सो गाइज याद रखिएगा वी हैव थ्री लेवल्स फाउंडेशन इंटरमीडिएट देन आईसीआई देस देन वी हैव है ट्रेनिंग फॉर थ्री इस एंड देन वी हैव फाइनल कोर्स तो हम इसके बाद आते हैं फाउंडेशन में क्या होता है सी आपको जस्ट टेंथ एग्जामिनेशन पास करना है सिर्फ टेंथ एग्जामिनेशन आपको पास करना है आप अपनी प्रोवेजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं प्लस टू पास करने के बाद आप अपनी कंफर्म रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं टेंथ के बाद आपकी याद रखिएगा प्रोवेजनल रजिस्ट्रेशन होती है जो कंफर्म होती है आफ्टर यू पास आउट प्लस टू प्लस टू के बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं लाइकवाइज आपको बता दूं बेटा सपोज आपके नॉर्मली प्लस टू के बोर्ड आमतौर पे मार्च अप्रैल के आसपास होते हैं तो आप मई और नवंबर को एग्जाम को सिलेक्ट कर सकते हैं याद रखिएगा इसका जो सिलेबस होता है इट हैज फोर पेपर्स इन फाउंडेशन फोर पेपर्स फाउंडेशन में होते हैं वन इज कॉल्ड एस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग अदर इज बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग नेक्स्ट इज मैथ्स अब बहुत सारे बच्चों को डर होगा सर हमने प्लस वन प्लस टू में मैथ्स नहीं करा कोई टेंशन नहीं है यार अगर तुमने प्लस वन प्लस टू में मैथ्स नहीं करा दोस्तों तुम्हें कोई टेंशन नहीं है तुमने करा या नहीं करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये जो मैथ्स है ये सारा एमसी क्यूज है ट्रिक मैथ्स है और इसमें स्टार्ट और रीजनिंग भी होता है अगर तुमने मैथ्स नहीं करा तो डरने की कोई बात नहीं होती एंड देन वी हैव इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के साथ एक सब्जेक्ट आता है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज तो ये फोर पेपर्स होते हैं हंड्रेड मार्क्स का ईच पेपर होता है इसकी डिटेल आपको लाइक वहां पर आईसीआई की साइट पे मिल जाएगी राइट सो आप आईसीआई की साइट पे विजिट करेंगे आपको सारा पता लग जाएगा लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग मोर ये जो पेपर होता है ये सब्जेक्टिव है और ये पेपर सब्जेक्टिव है ये दो पेपर सब्जेक्टिव होते हैं बेटा बाकी ये दो पेपर लास्ट के एमसीक्यू फॉर्म्स में होते हैं पेपर थ्री एंड पेपर फोर ये हमारा एम सी क्यू फॉर्म में होता है पेपर वन एंड टू आर सब्जेक्टिव हंड्रेड मार्क्स का पेपर होता है अकाउंट्स और लॉ का राइट ओके देन वी हैव द नेक्स्ट लेवल बच्चा इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट के अंदर हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं ईच ग्रुप हैज फोर सब्जेक्ट्स इन इट सो दैट मीन्स मुझे वहां पर फोर फोर करके टोटल एट सब्जेक्ट्स मुझे क्लियर करने पड़ेंगे और आठ सब्जेक्ट क्लियर करूंगा तो मेरा इंटरमीडिएट होता है अब ये बच्चों के पास चॉइस होती है बच्चे वहाँ पर पहले एट सब्जेक्ट्स अपने पूरे कवर अप करते हैं इसका अप्रॉक्सीमेटली नाइन मंथ का स्टडी पीरियड होता है इसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है थर्टी फाइव आवर्स का सर ये क्या होता है बेटा इसकी डिटेल जो है अभी आप लोग सिर्फ अभी प्लस टू क्रॉस कर रहे हो तो इतना अगर नहीं भी आप जानोगे तब भी चलेगा फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ये कुछ एक्चुअली प्रोग्राम्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आईसीआई कराता है आपके सिटी में आप जिस भी सिटी में हैं वहां पर आपके आईसीआई की ब्रांचेस में ये प्रोग्राम्स होते हैं वन वीक का अप्रॉक्सीमेटली प्रोग्राम होता है एक गेट टुगेदर होती है और इट इज अ वेरी वेरी यू कैन से फन लविंग प्रोग्राम विच इज क्रिएटेड बाई आई सी आई जस्ट टू डेवलप योर पर्सनैलिटी सो इट इज शॉर्ट ऑफ ए पीडी क्लासेस यू कैन से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेज देन आपकी आई टी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए हंड्रेड आवर्स की आई टी ट्रेनिंग भी होती है तो ये जरूरी है याद रखिएगा इसका आपको फंडा बताता हूं जो ग्रुप वन होता है ग्रुप वन आप जैसे ही क्लियर करते हो आपको ये ट्रेनिंग साथ में आप शुरू कर सकते हो और साथ में आप आर्टिकलशिप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर प्रैक्टिस प्रैक्टिस इन चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर आप वहां पर आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे एंड याद रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर हम डमी ले, ले लेते हैं बेटा कभी मत करना ऐसा कभी मत करना ऐसा हम डमी ले, ले लेते हैं बेटा डमी वगैरह कोई सीन नहीं होता डमी नहीं लेनी चाहिए याद रखिएगा यू शुड गो फॉर आर्टिकल शिप बिकॉज हम जो पढ़ाते हैं वट वी टीच इज ऑल थियोरिटिकल जो एक्चुअली में आपको आर्टिकलशिप में सी ए सीखाएगा दैट इज ऑल प्रैक्टिकल और वही लाइफ में ज्यादा काम आता है मतलब वी गाइज जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ आपको डिग्री लेने में हेल्प करेंगे दोस्त पर याद रखिएगा बट जो आपके चार्ट अकाउंटेंट्स होते हैं जो आपके एक्चुअल चार्ड अकाउंटेंट्स हैं वो आपको रियल लाइफ रियल टाइम पे रियल लाइफ पे एक्सपीरियंस के सारा चीजें सिखाएंगे सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर आर्टिकलशिप दैट इज माय सजेशन टू ऑल दैन वी है मूवमेंट यू क्लियर विदू ग्रुप्स यू कैन बिकम अ चार्ट अकाउंटेंट ठीक है सेम एट सब्जेक्ट्स आई रिपीट एट सब्जेक्ट्स सो ये जब आप लास्ट लेवल पे पहुंचते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग थ्री इस ऑफ आर्टिकलशिप

नॉर्मली हम क्या करते हैं देखिए मैं किसी भी कोर्स के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा नॉर्मली अगर हम बात करें तो सपोज कर लीजिए आज हम किसी भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से एम कर रहे हैं एम की जो फीसेज होती हैं दैट इज इन लैक्स दैट इज इन लैक्स और कई बार मैंने देखा है कई बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से एम करके दे आर रनिंग इन थाउजेंड्स दे आर जस्ट अर्निंग इन थाउजेंड तो आई जस्ट एज अ चार्टेड अकाउंटेंट अगर हम बात करें सो आप जरा दिमाग लगा के सोचिए कि अगर आपने कहीं पर कोई पैसा लगाया अगर उस पैसे का आपको रिटर्न नहीं आता मेरे दोस्त उस पैसे का अगर आपको रिटर्न नहीं आता तो क्या वो रिटर्न आपका वाइबल होगा क्या वो इन्वेस्टमेंट करना वाइबल होगा अगर आप लाखों रुपये इन्वेस्टमेंट करके हज़ारों में रिटर्न लोगे तो क्या वो वाइबल होगा नहीं अगर तुम हजारों रुपये इन्वेस्टमेंट करके लाखों में रिटर्न लोगे तो वाइबल होता है डेट so, में हमारी कंट्री का वन ऑफ दीपेस्ट कोर्स हैज वेरी नॉमिनल चार्जेस चार्ज बाई आई सी आई एंड इफ यू जस्ट चेकआउट द साइट आप देखोगे बहुत ही नॉर्मिनल चार्जेस है आप ये कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम पूरे पांच साल का पीरियड लगाए तो हमारा क्स टू मैक्स तीन से चार लाख रुपए का खर्चा होता है आई एम टॉकिंग अबाउट इंटायर फाइव ईयर पीरियड राइट और उसके बाद रेवेन्यू रिटर्न्स क्या बच्चा याद रखेगा एक सीए की एवरेज सैलरी आठ लाख से लेकर पच्चीस लाख तक होती है मैं आपको अप्रोक्सीमेट फिगर्स दे रहा हूं अप्रोक्सीमेट फिगर्स नॉर्मली अ अचार्ट अकाउंटेंट अ गुड चार्ट अकाउंटेंट ही गेट्स अप्रोक्सीमेटली सैलरी रेंजिंग फ्रॉम एट लाख पर ओके, सपोज अब ये तो उन के लिए हैं जो जॉब करना चाहते हैं अब सपोज कर लीजिए कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं प्रैक्टिस कर सकते हो आप अपनी कंपनी खोल के उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो आप, आप अगर मान लो मान लो भाई अगर आपके कोई नोन है तो आप वहां पर उनके साथ पार्टनरशिप में उनकी सी ए फर्म में एज अ पार्टनर बन के भी अपने अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो सो गाइज वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट ऑपॉर्चुनिटीज आफ्टर बिकमिंग सी एल टेल यू गाइज जितना एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए डी आर डॉक्टर लगाना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही कॉमर्स स्टूडेंट के लिए अपने नाम के आगे सी ए लगाना इंपॉर्टेंट होता है लॉट ऑफ स्टूडेंट सेम ही सर आप सी ए पढ़ाते हो इसलिए आप ऐसा बोलते हो नहीं बच्चा मैं इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा मैं सिर्फ सी ए को नहीं बोलता मैं बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बोलता हूं बट जो बेस्ट कोर्स है आज की डेट में फॉर अ कॉमन स्टूडेंट दैट इज चार्ट अकाउंटेंसी इससे अच्छा कोई कोर्स नहीं है दिस इज एवरग्रीन कोर्स नाइनटीन फोर्टी नाइन से ये कोर्स चलता आ रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा बिकॉज सी हैज़ वेरी गुड पावर्स यू कैन से सी ए इज द हीरो बिकॉज जितनी भी फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज होती है उसके मेजोरिटी डिसउंटेंट ही लेते हैं ओके okay. गाइस फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे सर क्या सी ए के अलावा और कोई कोर्स है देखिए कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं सर सी ए हमने सुना है कि पासिंग परसेंटेज नहीं है बच्चे फेल हो जाते हैं बच्चों को पास नहीं किया जाता देखिए बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं नाउ यू टेल मी जस्ट वन थिंग क्या हमारी कंट्री में सारे डॉक्टर्स हैं नहीं यू हैव टू बी वेरी स्पेशल टू बिकम आप कह लीजिए जिस तरह डॉक्टरेट इज इंपोर्टेंट दैट मीन सी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू द कॉमर्स यू कैन से सी ए इज अ डॉक्टर ऑफ कॉमर्स सो अगर हम सिंपल सी बात करें बेटा हमारी कंट्री में अगर हम आज की बात करें तो मैं अंदाजे से बता रहा हूं अप्रोक्सीमेटली पांच से छह लाख सिर्फ वर्किंग चार्ड अकाउंटेंट्स होंगे मैक्सिमम इससे ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते दस लाख के आसपास होंगे इससे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली नहीं होंगे क्यों अगर आप नोटिस करते हो सी एज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी यू नीड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टू बिकम अ चार्ड अकाउंटेंट यू नीड एस डी एच याद रखिएगा वी नीड एस डी एच एस सिंसियरिटी टू बिकम अ सी ए वी नीड डेडिकेशन टू बिकम अ सी ए वी नीड टू हैव हार्डवर्क टू बिकम अ सी ए सो याद रखिएगा जिसके पास एस डी एच नहीं है वो बच्चा सीए कभी नहीं कर सकता और कल को वो सिंसियरिटी से पढ़ता नहीं है बाद में वो आईसीआई को ब्लेम करता है बाद में बोलता जी हमें फेल कर दिया नहीं बच्चा वो तुम्हारी गलती है उन्होंने तुम्हें फेल नहीं करा तुम खुद फेल हुए अगर तुम्हारे अंदर एस डी एच नहीं है तो तुम वहां पर सी ए नहीं कर सकते नाउ देर आर सम स्टूडेंट्स जो कहते हैं सर सी ए हमारे लिए टफ है हम कुछ ईजी डिग्री करना चाहते हैं बट वी वॉन्ट टू बिकम प्रोफेशनल्स एग्रीड वी वॉन्ट टू बिकम प्रोफेशनल्स गज वी शुड गो फॉर सी एम ए वी शुड गो फॉर सी अब सी क्या है सी सीएमए का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इवन सीएमए इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड कोर्स मैं आपको सीएमए के बारे में बताऊंगा बट द बेस्ट पार्ट ऑफ सीएमए इज इट इज ईजियर देन सीए अगर सी ए का पासिंग परसेंटेज इज फोर्टी परसेंट थर्टी परसेंट अगर हम बात करें तो इसका पासिंग परसेंटेज ही सेवेंटी टू एटी परसेंट है मोर ओवर दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोफेशनल डिग्री टू बी टेकन सबसे पहले हम बात करते हैं सी एम ए दैर इज कॉस्ट एन मैनेजमेंट अकाउंटेंट बच्चा मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे रहा हूं एंड इफ एनी बडी वॉन्ट्स दीज फ्लो चार्ट गाइज मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके लिंक डाल दूंगा वहां से डाउनलोड कर सकते डिस्क्रिप्शन में बच्चा इसके लिंक डाल दूंगा वहां पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं ये दोनों पीपीटी और ये फ्लो चार्ट आपको मिल जाएगा यू कैन कीप इट विद यू सबसे पहले बच्चा सी एम ए इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड कोर्स अब सपोज कर लो मान लो कि बच्चा कहता है सर मेरे को इतना नहीं पढ़ना यार मैं इतना हार्डवर्क नहीं कर सकता बच्चा तुम एक काम करो सी पे चले जाओ सी का बेस्ट फंडा क्या होता है बेटा वही सेम फंडा है फाउंडेशन कोर्स होगा फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपके पास सबसे पहली बात आ जाएगी कि फाउंडेशन कोर्स में तुमने पहले टेंथ पास करना है टेंथ अगर तुमने कर ली क्लियर तो तुम एलिजिबल हो फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन के लिए सीएमए के एग्जाम्स आपको बता दूं साल में दो बार होते हैं जून और दिसंबर में द मोमेंट यू पास प्लस टू द मोमेंट यू पास प्लस टू यू आर क्वालिफाइड फॉर फाउंडेशन एग्जाम ठीक है अब तुम फाउंडेशन एग्जाम दोगे उसके बाद अब आपको बच्चे सोचेंगे सर फाउंडेशन में क्या है सिलेबस क्या है बच्चा इट्स ऑलमोस्ट द सेम लेट मी टेल यू वही अकाउंट्स मैथ्स लॉ इको जो मैंने CMA में बनाया तो थोड़ा सिलेबस जो है वो काफी मिलता जुलता है बट इसमें पासिंग परसेंटेज हाई है और सिलेबस थोड़ा सा ईजी है याद रखिएगा थोड़ा सा पढ़ना कहते हैं ना अगर बच्चे की सोच पे आए पढ़ना कम पड़ता है ठीक है तो अगर हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा पढ़ना कम पड़ता है तो दोस्त याद रखिएगा सबसे पहले आप फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करोगे देन यू गो फॉर इंटरमीडिएट एग्जाम अब इंटरमीडिएट एग्जाम का भी सेम फंडा होता है याद रखिएगा जैसे हमारे सी एम होता है ग्रुप्स हैं उसमें यहां भी ग्रुप्स हैं द पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम द पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम याद रखिएगा सपोज कर लीजिए कोई बच्चा कहता है सर मैं ग्रेजुएशन के बाद करना चाहता हूं सी अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सी करना चाहते हो दो सपोज आपने ग्रेजुएशन कर ली तीन साल फिर आप सी करना चाहते हो येस यू कैन डू इट इन दैट केस इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट यू डोंट हैव टू गो फॉर फाउंडेशन एग्जाम आपको फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है आपको फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है यू आर कमिंग डायरेक्टली टू इंटर आपका एक लेवल खत्म हो जाएगा आप लोगों को बता दूं यही चीज सी के अंदर भी होती है सपोज स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम ग्रेजुएशन के बाद अगर मान लीजिए ये कोई बी कॉम का स्टूडेंट देख रहा कहता है सर मैं ग्रेजुएशन के बाद करना चाहता हूं ठीक है बट सीए में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपके ग्रेजुएशन में कम से कम फिफ्टी मार्क्स होने चाहिए सीएमए में ऐसा नहीं है सीएमए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए याद रखिएगा सीए के अंदर आपके कम से कम 55 परसेंट मार्क्स होने चाहिए ठीक है तभी आप डायरेक्ट एंट्री में आते हो उन दोनों केसेस में आपकी फाउंडेशन एग्जाम हो जाती है फिर आप जैसे ही यहां पर आते हो बच्चा आपको कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है जैसे ही आप इंटर अपना क्लियर करते हो इंटर क्लियर करने के बाद आपको थोड़ी सी अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है इसको हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिस इज फॉर 200 हंड्रेड आवर्स याद रखिएगा ये सारा जो ट्रेनिंग होता है ये सी एम ए इंस्टीट्यूट ही करवाता है देन वी हैव हैवेफ फाइनेंस प्रोग्राम सिक्सटी आवर्स का देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट की एक ट्रेनिंग होती है मतलब दिस इज जस्ट टू डेवलप योर पी डी दैर इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड आई टी स्किल्स आपको ई फाइलिंग सिखाया जाता है आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है जस्ट टू इम्प्रूव योर वो कैब इंग्लिश वगैरह आपका नॉलेज सपोर्ट लेना पड़ता है इंस्टीट्यूट से सिक्सटी आवर्स का और ये जब आप सारे कर लेते हो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो टू अपेयर इन बोथ ग्रुप्स ट सो दीज आर समी मैं इनके बारे में इतना डिटेल नहीं बता रहा बिकॉज आई एमिंग दैट दिसमेंट यू गो ऑन इन द एडवास स्टेज यू विल कम टू नो अबाउट दीज ट्रेनिंग दैट इज वाई आप देखोगे मैंने ज्यादा ट्रेनिंग के बारे में नहीं बताया राइट सो इसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चा हम लोगों ने इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद देन वी गो फॉर फाइनल और फाइनल क्लेरिफाई करने के बाद हमारी एक आईओटीपी की ट्रेनिंग होती है सेवन डेज के लिए और थ्री इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है थ्री इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है इसमें से पंद्रह महीने हमारे मैंडेटरी है अब बच्चा बोलेगा सर हम फाइनल क्लियर करने के बाद क्या तीन साल नहीं बच्चा ऐसा नहीं है तुम फाइनल क्लियर अपनी फाइनल पे पहुंच गए आज अगर तुम सपोज सीएमए फाइनल स्टूडेंट हो 15 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद ही तुम टली एग्जाम दे सकते हो उसके बाद भी तुम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो याद रखिएगा इसलिए कहा जाता है फिफ्टीन मंथ्स मैंडेटरी फिफ्टीन मंथ्स मैंडेटरी और उसके बाद आप वहां पर अपना फाइनल एग्जाम्स क्वालिफाई करोगे एंड देन यू बिकम अ सीएमए. याद रखना सीएमए के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको वहां पर थ्री इयर्स का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना होता है जो आप वहां पर फाइनल की डिग्री के साथ साथ भी कर सकते हो ठीक है तो फाइनल करते करते जैसे आर्टिकलशिप होती है सीए के अंदर सेम सी ए के अंदर तीन साल की आर्टिकलशिप हो गई तो उसी को हम लोग थ्री इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस काउंट कर लेते हैं सो तो दोस्त याद रखिएगा हम उसी को थ्री इयर्स का अपना वर्क एक्सपीरियंस काउंट कर लेते हैं तो याद रखना ऐसा नहीं है कि बच्चा बोलेगा सर पहले तीन साल ट्रेनिंग करेंगे उसके बाद तीन साल हम लोग और काम करेंगे बेटा तुम काम करोगे तुम उसके पैसे मिलते हैं ठीक है इफ यू आर वर्किंग अगर आपको कोई थ्री ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली तुम्हें उसके पैसे मिलते हैं तो तुम्हारा लाइक वहां बेनिफिट ही है यू हैव बिकम अ सी ए यू माइट गेट द डिग्री लेट बट अल्टीमेटली यू स्टार्ट अर्निंग तो मुद्दा क्या है बेटा हमारी डिग्री लेने का हमने अर्निंग स्टार्ट करनी है राइट सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी एप्ट कोर्स एंड लेट मी टेल यू गाइस दिस इज फॉर स्टूडेंट्स हु से सर सी ए डिफिकल्ट है हम सी ए में आना चाहते हैं दे कैन ईजिली मूव ऑनट राइट सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड कोर्सेज गाइज नाउ मेजोरिटी स्टूडेंट मुझसे एक क्वा करता है मेजोरिटी बच्चा मुझसे क्वायरी करता है सर आप एक बात बताओ वट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल डिग्री बच्चा मैं रिकमेंड करता हूं बी कॉम जनरल विद सी एट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ पर्टिकुलर कॉमर्स स्टूडेंट वाई एल टेल यू सी वी हैव लॉर्ड ऑफ डिफरेंट ग्रेजुएशन डिग्रीज बट इन दोनों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है दोस्त इन दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है क्यों इन दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए बनता है बिकॉज इनका आपस में अराउंड सेवेंटी टू एटी परसेंट सिलेबस इज सेम सेवेंटी टू एट्टी परसेंट सिलेबस जो होता है वो सेम होता है सो यू हैव एन एड ऑन एडवांटेज ऑफ डूइंग बी कॉम एंड सी ए ना लेट दे लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट सर हम पहले एक काम करते हैं तीन साल आराम से बी कॉम करेंगे अरे भाई तुम अपनी जिंदगी का कीमती समय बर्बाद कर रहे हो तुम अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट टाइम बर्बाद कर रहे हो सपोज तुमने प्लस टू क्लियर कर ली प्लस टू क्लियर करने के बाद आप बी कॉम साथ में शुरू कर लीजिए साथ में ही सी ए शुरू कर लीजिए चिंता मत करिए सर हमारे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा नहीं भाई तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा दोस्त याद रखिएगा तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा क्योंकि जो बी कॉम और सी ए का कॉम्बिनेशन होता तुम्हारा सेवेंटी टू एटी परसेंट सिलेबस सेम होता तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं होती राइट यू डोंट हैव एनी अदर इश्यूज तुम्हारे को दिमाग नहीं खराब होगा आपका लाइक वहां पर जो सिलेबस है दैट इज सेम सो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर सपोज कर लीजिए आप बी कॉम के बाद सी ए करते हो बेटा तीन साल बी कॉम करिए उसके बाद पांच साल सी ए को लगा दिए आठ साल चले गए यहां पर बेटा टोटल फाइव इयर्स में आपको दो डिग्री मिल जाती है टोटल फाइव इयर्स में आपके पास दो डिग्री मिल जाती है बट याद रखना दोस्त सी ए तभी करना है जब हमारी लाइफ में एस डी एच है और याद रखिएगा एक बार आपके नाम के साथ सीए लग गया फिर यू आर अ सुपर स्टार ऑफ द सोसाइटी यू विल गेट इमेंस रिस्पेक्ट याद रखिएगा यू विल गेट इमेंस रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी आप सोच भी नहीं सकते राइट सो so, हम कहते हैं लाइक like, वहां पर सी ए तभी आइए लाइफ के अंदर जब आपके पास एसडीएच डी एच है अगर नहीं है तो फिर डोंट डू इट यू हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शन आई गेव यू अदर ऑप्शन ऑल्सो लाइक यू हैव लॉट ऑफ बैचलर डिग्रीज अदरवाइज यू कैन गो फॉर सी एम आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड फॉर स्टूडेंट्स हु आर वेरी स्क्यर ऑफ डूइंग सी ए दे कैन गो फॉर बी कॉम विथ सी राइट बट अगर सपोज कर लीजिए बच्चा चाहता है कि सर हम लोग यहाँ पर इनमें से कोई कोर्स नहीं करना चाहते देन वी हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस गाइस हमारे पास क्लैट का ऑप्शन है लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए हमारे पास बीबीए बीएमएस का ऑप्शन है दैट इज़ फॉर डूइंग एमबीए अगर आप सपोज़ मास कॉम में जाना चाहते हैं वन वो फॉर जर्नलिज्म आप उसमें जा सकते हैं सपोज़ मेरा आई में इंटरेस्ट है बी इज द बेस्ट पार्ट सो दैट डिपेंड्स Okay so guys i hope you people have liked this video if you have liked this video do like it do like it and also please comment on it so that i would be able to make more such videos for you if you want any other information please comment on that so that i'll make one more video for you agar aapko isme aur koi detail mein information chahiye to. इफ यू वॉन्ट दैट कि मेरे को और डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए किसी भी कोर्स में प्लीज कमेंट ऑन दैट आई डेफिनेटली मेक वन मोर वीडियो फॉर यू सो दैट यू विल गेट अ डिटेल इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑब्वियसली आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू वट इज द बेस्ट कोर्स आफ्टर प्लस टू राइट थैंक यू गॉड ब्लेस यू सी यू गाइस बे